आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा बट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफा बट कई सीनियर लीडरों के साथ पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। मुस्तफा बट व दीगर लीडरान ने पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। पार्टी से मुस्तफी होने वाले लीडरों में मंसूर मागरे, आगा सईद मोहम्मद हुसैनी, एजाज यूसुफ, मोहम्मद फहीम रेशी, सईद अकील व दीगर दर्जनों अफराद शामिल है। कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान और लीडरान ने डीपीएपी से मुस्तफी होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं महबूब मुस्तफा बट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज बट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में इस पार्टी ये अमल में आई और अब इस पार्टी में जुड़ने के साथ साथ ही बहुत सारे कारकुनान अब इस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, क्या कुछ है वजूहात जमीनी सतह की? बिल्कुल इंशा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस ढंके के साथ ये पार्टी लॉन्च की गई थी और जिस तरह से उस टाइम लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, जितनी जल्दी लोगों ने ज्वाइनिंग की थी उतनी ही जल्दी अब लोग इस पार्टी से अलग हो रहे हैं, इस पार्टी से अपना ये ताल्लुक तोड़ रहे हैं। हमने देखा कि जनवरी में इसी साल की जनवरी में तकरीबन 17 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के डीपीएपी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और डीपीएपी को छोड़ दिया, जिसमें सरफरिस्त नाम जो है वो ताराचंद का आता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पे, और पीरजादा मोहम्मद सईद जो कि काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ के फिर वापस वो कांग्रेस में दाखिल हो गए और उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी गलती से ताबीर किया था उस टाइम। कल जो ये महबूब मुस्तफा बट और इनके साथी जो हैं, काफी सारे साथी इनके साथ हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि पार्टी चेयरमैन जो है गुलाम नबी आजाद को इस्तीफा उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बहुत अहम बात का जिक्र किया है जिसपे काफी सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो काफी इस पे तज्जिया अपना कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें तो वो हमेशा उन्होंने नेपोटिज्म का इल्जाम जो है वो कांग्रेस पे लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में नेपोटिज्म होता है और पोलिटिकल स्टबनेस, उनका इसका इल्जाम भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे लगाया था। लेकिन जो उनके नेफ्यू हैं महबूब मुस्तफा बट, उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में साफ ये कह दिया है कि जो गुलाम भी आजाद की नई पार्टी है डीपीएपी, वहां पे उन्होंने उनको लगा कि वो लोगों की खिदमत कर सकते हैं, इस पार्टी को ज्वाइन करके लोगों के बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उनका इल्जाम है कि उस पार्टी में भी उन्होंने नेपोटिज्म देखा और पॉलिटिकल स्टबनेस उन्होंने देखी इस पार्टी में भी, जिसके चलते वो फिर उन्होंने कल अपना रिजाइन पेश किया। उनके काफी साथी और भी हैं जिन्होंने रिजाइन पेश कर दिया। साथ में एक और वजह जो उन्होंने लिखी है, उनका कहना था, उनका इल्जाम है कि जो पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो जो नए मेंबर्स हैं वहां पे या जो यंगर जनरेशन के जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उनको पार्टी के जो एस्पिरेशंस है वो फुलफिल करने का मौका नहीं देते हैं। ये इल्जाम भी महबूब मुस्तफा बट ने लगाया है यहां पे। अब किस पार्टी में वो जाएंगे वो दूसरी बात है, उसका भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक धचका है, क्योंकि अगर उनके अपने नेफ्यू जो हैं वो इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनका कहीं ना कहीं मानना है कि जो इल्जाम गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस पे लगाया करते थे वो अब उनकी पार्टी में ही लग रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो जिस तरह से जिस बड़े इस लॉन्चिंग की गई थी इस पार्टी की, उसी जल्दी से उतनी ही शिद्दत से जो पार्टी के लीडर्स हैं और पार्टी मेंबर्स जो हैं, खासतौर जो सीनियर लीडर्स हैं जिसमें ताराचंद और पीरजादा मोहम्मद सईद हैं, उनका पार्टी छोड़ना ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है आगे आने वाले। बिल्कुल परवेज, जिस तरह से अब बहुत बड़े चेहरों ने, बहुत बड़े लोगों ने, बहुत बड़े लीडरान ने अब पार्टी को अलविदा कहा, क्योंकि बड़े ही जोश व खरोश के साथ उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और उसी जोश व खरोश के साथ अब उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, तो क्या लगता है आपको कि डीपीएपी पर किस तरह के अब असरात मुरतब होंगे आइंदा वक्त में?
देखिए ये अभी फिलहाल तो कहना काफी मुश्किल होगा कि डीपीएपी पे किस तरह के असरात होंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसे इल्जामों के घेरे में आती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है, जो उनकी इमेज है, वो पब्लिक में जरूर खराब होती है। अगर पार्टी के कोई स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये अगर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी ऐसे इल्जाम लगते हैं, साथ में गुलाम नबी आजाद के नेफ्यू हैं, और अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी में नेपोटिज्म होता है, भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है इसको सीरियसली लेते हैं, इसको ऐसे हवा में की गई बात नहीं मानी जाती है बल्कि सीरियसली लेते हैं, जिसका असर की पॉलिटिकल पार्टीज के आगे जो उनका फ्यूचर स्ट्रेटजीज होती है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इससे पहले भी जैसे मैं कह रहा था कि जब 17 लीडर्स जो हैं उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भी इस पार्टी के खिलाफ काफी कुछ बोला था और उन्होंने भी उस टाइम नेपोटिज्म की बात की थी, तो अब जब गुलाम नबी आजाद के खुद के नेफ्यू बोल रहे हैं कि पार्टी में नेपोटिज्म है, तो लोगों में इसकी पार्टी की छवि जो है वो काफी खराब हो सकती है। जैसा मैं बोल रहा था कि आगे आने वाले टाइम में जो है इलेक्शंस आने वाले हैं यहाँ पे, अब कब होंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे तो पार्टी की जो इमेज है उसको जो ये धचका लगा है इससे काफी कमजोरी आ जाएगी पार्टी में, पार्टी की परफॉर्मेंस में। हमने देखा कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें पार्टी में काम करने, खुल के काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर ये मंथन किया जाएगा कि आखिर पार्टी को किस सिमत ले जाना है और क्या डायरेक्शंस रहेंगी बाकी पार्टी लीडर्स जो हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं कि वो जूनियर्स को काम नहीं करने देते हैं। जी इंशा बिल्कुल परवेज, जिस तरह से अब डीपीएपी पर अब नेपोटिज्म का इल्जाम आयद किया गया है तो काफी ज्यादा तश्वीश की बात है कि लोगों में इस तरह के काफी ज्यादा खदशात जो है वो पैदा हुए होंगे कि अगर उन्होंने एतमाद शुरू करना ही किया होता डीपीएपी पर, लेकिन अब जिस तरह से अब इल्जाम तराशी का अब दौर शुरू हो चुका है तो ऐसे में आम आवाम का जो विश्वास है वो टूटता हुआ हमें नजर आएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल परवेज तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।